हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी आपको जो बताने वाले रियलमी C11 जो मॉडल है उसका जो बैक बटन है उस सेटिंग के बारे में आपको बताएंगे। आपका जो बैक बटन लेफ्ट साइड में चला गया उसको आप किस तरीके से राइट साइड में ले पाओगे, उसके साथ फुल जो नेविगेशन बटन है उसको आप किस तरीके से हाइड कर पाओगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले। वीडियो लास्ट तक देखते रहो यार। इसको करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, आपका जो फोन का जो सेटिंग है उसके अंदर आपको चले जाना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल कर दो, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कॉन्वेंशन टूल, वहाँ पर आप क्लिक करो। उसके बाद आपको नेविगेशन बटन्स देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो वर्चुअल बटन है उसके अंदर थ्री लेयर जो बटन होती है उसको आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इजीली तरीके से लेफ्ट राइट जो आपका जो बैक बटन लेफ्ट साइड में चला गया, इस तरीके से यहाँ से आप इजीली तरीके से राइट साइड में ले आ पाओगे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ी बहुत आप चेंज करोगे तो बहुत इजीली तरीके से आप चेंज कर पाओगे। तो आप इजी तरीके से ये तो आप कर लिया, लेफ्ट राइट कर लिया। उसके बाद आपको फुली हाइड करना है, तो यहाँ पर आपको स्वाइप जस्ट स्वाइप फॉर बटन साइड में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फुली जो बैक बटन है, होम बटन है, फुली आपका गायब हो जाएगी, सिर्फ आपको होम बटन देखने को मिलेगा। यार इजी तरीके से साइड से स्लाइड करोगे, होम करोगे, बहुत बढ़िया स्मार्ट तरीके से लगता है भाई। इस तरीके से इजी तरीके से हाइड कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर जो आपका जो होम बटन रहता है भाई, इजी तरीके से यहाँ पर ग्लास की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको भी आप हाइड कर सकते हो। यहाँ पर जो शो होगा, यहाँ पर हाइड जस्ट श्री गुड जो बार है इसमें को ऑन कर दो, इजी तरीके से यहाँ पर जो होम बटन रहती है वो फुल्ली गायब हो जाएगी। इजी तरीके से आप थ्री बटन लेयर भी आप कर सकते हो, इजी तरीके से यहाँ से आप फुल्ली हाइड भी कर सकते हो। आपको जो मर्जी है इजी तरीके से यहाँ से कर लो। और वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ी बहुत आप सेटिंग कर लियो, इजी तरीके से आपका फुली जो बैक बटन है वो हाइड कर चुके हो। वीडियो को लाइक ठोको और जिसके जिसके पास इस मॉडल है उसको शेयर कर दो यार।